नमस्कार दोस्तों, कुदरती जड़ी बूटी में आपका दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं दोस्तों आपके सामने एक दिव्य चमत्कारिक नुस्खा लेकर आया हूं। दोस्तों वो दोस्तों नुस्खा इतना ज़बरदस्त है कि जब आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो आपको 100% आराम मिलने ही वाला है। दोस्तों जी दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ दांत खाज खुजली, जो कि रिंग दांत होती ना, गोल चकत्ते पड़ जाते हैं, वो दोस्त किसी भी प्रकार से नहीं होती ठीक। आप लोग डॉक्टर को दिखाते हैं फिर भी ठीक नहीं होती है, और आप तरह तरह प्रकार के दोस्तों मलहम लगाते हैं तो दोस्तों फिर भी वह ठीक नहीं हो पाती है। तो दोस्तों मैं आपको ऐसा ही नुस्खा लेके आया हूँ दोस्तों कि आप थक चुके हों और आपकी दाद नहीं जा रही है, तरह तरह प्रकार के ट्यूब लगा चुके हैं आप, मलहम लगा चुके हैं, दवा भी खा चुके हैं, उसके बावजूद भी आपको आराम नहीं पड़ रहा दांत में, दांत खाज खुजली कैसा भी चर्म रोग हो ये बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए हम उसके कुछ आपको सामग्री बताते हैं। दोस्तों मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों बेल आइकन वाली घंटी वाला बटन दबा दें, और दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम कुछ उसकी सामग्री बताते हैं। दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले लेके आना है आपको गंधक। गंधक दोस्तों पीले रंग का होता है, वो 20 ग्राम लेके आना है दोस्तों गंधक। उसके बाद दोस्तों आपको मुर्दा शंख लेके आना है, ये भी आपको 20 ग्राम लेके आना है दोस्तों मुर्दा शंख। दोस्तों मुर्दा सन भी कहा जाता है उसे, और मुर्दा शंख भी कहते हैं उसे दोस्तों। तो आप ये चीज़ों को लेके आएं दोस्तों। तो और दोस्तों इसके साथ आपको कपूर भी लेके आना है, 10 ग्राम आप दोस्तों कपूर ले लो। ये दोस्तों तीन चीज़ें हो गई। कपूर के बाद दोस्तों आपको क्या लेना है, आपको आपको दोस्तों कबीला लेके आना है। कबीला दोस्तों एक लाल रंग का जो गेवरी होती है, गेरू जिसको कहते हैं, उसी प्रकार से पाउडर के रूप में कबीला आता है, उसे दोस्तों कमेला भी कहते हैं उसे दोस्तों। तो दोस्तों और इसके साथ आपको एक नारियल के तेल की शीशी लेके आनी है, पैरासूट या कोई भी कंपनी का ब्रांड का मिल जाए लेकिन ओरिजिनल होना चाहिए नारियल का तेल। उसके बाद दोस्तों आपको क्या लेके आना है, आपको नीला थोता लेके आना है। दोस्तों नीला थोता होता है, नीले रंग का होता है, वो भी दोस्तों आपको पंसारी की दुकान में आपको मिल जाएगा। तो नीला थोता आपको, ये सामग्री आपको ले लेनी है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया गंधक, नारियल का तेल और नीला थोता और कमेला और मुर्दा संघ, जो कि दोस्तों सोने की तरह चमकता है, एक पत्थर होता है, इन सभी को दोस्तों पीस कर, दोस्तों याद रखें कि हमें जो नीला थोता है वो थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लेना है, और दोस्तों इन सभी को पीस करके एक पाउडर बना लें, पाउडर बना के किसी बोतल में डाल लें, उसी में नारियल का तेल, बस आपकी दवा बन गई। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अच्छी तरह मिक्स करके शीशी को हिला लें। अब उसको हिलाने के बाद जब वो पेस्ट बन जाए, आपका तेल बन जाए, तो दोस्तों आपको क्या करना है कि जिस जगह पे दाद है, यानी कि जो गोल चकत्ते होते हैं ना, रिंग दाद या खुजली कोई भी हो दोस्तों, उसमें आपको ये सब लगाना है, सुबह शाम लगाना है। दोस्तों आराम आपको 2 से 3 दिन में पड़ जाएगा दोस्तों, इसको 15 दिन लगाना है, तो ये दोस्तों चर्म रोग आपका जड़ से ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों मिलेंगे हम किसी एक नए दिव्य चमत्कारिक पेड़ या पौधे या दोस्तों नुस्खे के साथ। दोस्तों चलिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों, जय भारत।